मामले में आज एक महत्वपूर्ण टर्न लिया है कोर्ट ने। पांच लेबर कमिश्नर को ये बोला है, पांच स्टेट्स के लेबर कमिश्नर को, कि आप लोग कार्रवाई करके और अदालत में उपस्थित रहिए अगली तारीख पर। इसका सीधा मतलब है कि अगर उन्होंने कोई गड़बड़ी की है और हम लोगों ने ये कोर्ट अदालत के सामने ला दिया कि ये गड़बड़ी इन सज्जन ने की है, इन लेबर कमिश्नर ने ऐसे ऐसे गड़बड़ी किया है, तो उसी दिन उनकी खिंचाई होनी है अदालत में। इसलिए एक और अदालत ने ये भी देखा है कि सारे संपूर्ण भारत का मिलाने से ये होता है कि कोर्ट में बहुत सारी भीड़ हो जाती है, दोनों तरफ के वकील बहुत इकट्ठे हो जाते हैं और एक हल्ला हंगामा होता रहता है बहुत सारा, और अदालत की कार्रवाई में बहुत मतलब कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। तो आज अदालत ने बोला कि ये पांच पांच करके बुलाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि उस पाँच राज्यों पर पूरा ध्यान दीजिए कि वहाँ की कार्रवाई सही से हो, वहाँ की पूरी सूचना आपके पास हो और अदालत को अवगत कराए कि इन्होंने क्या गड़बड़ी किया है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 19 तारीख को वो आखिरी सुनवाई करेगा, फिर ये डेट पड़ा हुआ है, तो लोगों में ये नहीं हुआ कि नहीं ये डेट क्यों पड़ा है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तय किया था। अब क्या हुआ है कि लेबर कमिश्नर की ओर से आखिरी वक्त में कुछ रिपोर्ट फाइल कर दी गई, वो दूसरे पक्ष को, जैसे जिसमें मैं भी हूँ, मुझे भी नहीं दिया उन्होंने। तो ये सब चीज़ें हमारी अदालती कार्रवाई में होती है। अब सुप्रीम कोर्ट आज अगर फैसला कर ही देता तो वो फैसला पूर्ण रूपेण सारे कागज को सब कुछ को देख के नहीं होता और उसमें गलती होने की गुंजाइश थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे रिपोर्टों को मद्देनजर रखते हुए सारी बातों को ऐसा आगे से स्कीम बनाई है, वो मेरे हिसाब से भी बहुत कारगर रहेगी। राज्यों के श्रम आयुक्त ने जो रिपोर्ट अपनी भेजी है, उसमें जो स्टेटस रिपोर्ट भेजी है, वो कितनी सही थी? आपने उसको देखा होगा? हाँ, देखा है वो स्टेटस रिपोर्ट। जैसा कि टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक तरीके में गोलमोल है, कोर्ट ने भी ऑर्डर में तो नहीं आया लेकिन जज साहब ने भी बोला कि ये गोलमोल रिपोर्ट है और इस गोलमोल से बात नहीं बनती। सीधे सीधी बात है कि मजीठिया अगर उन्होंने मांगा, उनको दिया नहीं गया तो नहीं दिया गया है। आप कहें कि हमने 20J में समझौता करा लिया, ये करा लिया, कोई भी कर्मचारी अगर उसको मजीठिया के तहत 40,000 रुपये मिल रहे हैं तो वो 20J का समझौता करके 20,000 रुपये में काम नहीं करेगा। ये मूर्खता वाली बात है और ये प्रबंधन जो बात कर रहे हैं एकदम मूर्खतापूर्ण है, और जब बहस होगी इस केस में ये सामने आ जाएगा खुल के। और इस पॉइंट पे पहले भी बहुत सारी जजमेंट है कि अगर मुझे 40,000 रुपये मिलते हैं तो मैं 20,000 रुपये का समझौता क्यों करूँगा। इसलिए वो चीज़ अब धीरे धीरे प्रबंधन घिरेंगे इसमें। आज क्या जजमेंट हुआ था मजीठिया बेस बोर्ड को लेकर के, क्या आदेश आया है? आज ये आदेश आया है कि सारे लेबर कमिश्नर, पांच राज्यों के लेबर कमिश्नर जिसमें असम, त्रिपुरा, मणिपुर के लोग हैं और पांच लेबर कमिश्नर, उनको आदेश दिया गया है कि आप इस पर कार्रवाई करके और अगली तारीख में अदालत के सामने प्रस्तुत हो। और अभी जो ये आया हुआ जिन लोगों ने कंप्लेन किया है लेबर विभाग में, उनके लिए क्या आदेश आ जाया है? उनके लिए कोई आदेश नहीं आया है, उनके लिए पिछला आदेश ही चलता रहेगा जिसमें ये कहा गया है कि आप इसकी इस कंप्लेंट कीजिए और उस पर कार्रवाई कीजिए। तो पहला, जैसे मैंने पहले कहा था, अभी भी कहता हूँ कि और आपने एक फॉर्मेट भी शेयर किया है कि सारे चीफ सेक्रेटरी और सारे लेबर कमिश्नर को आप लोग वो प्रतिवेदन दें कि आप अदालत के 14 मार्च के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और इसको पूरा नहीं कर रहे हैं, लिहाजा आप फिर से कंटेम्प्ट के भागी होंगे। प्रबंधक तो हैं, अब लेबर कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी भी होंगे, और अगर आप लोग ऐसा दे के लाएंगे तो हम सबके खिलाफ अलग से कंटेम्प्ट लगाएंगे जिसमें लेबर कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बनाया जाएगा। अच्छा, जिन लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा है या जिनको ट्रांसफर किया जा रहा है मजिठिया मांगने के कारण या न भी मांगने के कारण, दबी जुबान से लोग टारगेट किए जा रहे हैं, उनके लिए क्या जो है आदेश है? उसके लिए आज अदालत में बात तो उठी लेकिन अदालत ने कहा कि ये कंटेम्प्ट का मामला है, इसलिए जब हम आगे के उसमें तय करेंगे तब देखा जाएगा। अभी उसके लेकर कोई अदालत में ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ कि किसी को हटाया नहीं जाएगा, निकाला नहीं जाएगा, ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ। 20J पे जिन लोगों ने साइन किया है उनको आपकी क्या सलाह है? 20J पे जिन लोगों ने भी साइन किया उनको घबराने की रत्ती भर कोई चिंता नहीं है। 20J साइन करने के पहले उनको जो तनख्वाह मिलती थी, उसके बाद जो तनख्वाह मिलती थी और मजीठिया के हिसाब से जो तनख्वाह उनको मिलनी है, ये तीन तनख्वाह का एक चार्ट वो बना लें और अदालत के सामने या लेबर अधिकारी के सामने रखें कि देखिए कोई भी सामान्य ज्ञान का आदमी साइन नहीं करेगा। अगर मुझे 40,000 रुपये मिल रहे हैं और मेरे से 20J में साइन करा के 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं तो ये जोर जबरदस्ती या नौकरी के डर से ही कराया गया है। इसलिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत देखेगी वो कहेगी ये अमान्य है, लेकिन इसमें आपने जब साइन कर दिया है
तो आप ये काम जरूर कीजिए कि आपको जितना मिल रहा था 20J पे साइन कराने के पहले, 20J पे साइन कराने के बाद जितना आपको मिल रहा है और मजिठिया के हिसाब से जितना मिलना चाहिए था, ये तीनों का एक चार्ट आप खूब अच्छे से बनाइए। अदालत के सामने लाना पड़ेगा उस चीज़ को, ताकि दिखाई दे कि ये कितना मूर्खतापूर्ण वाली बात है।